हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक खूबसूरत सा निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये निटिंग पैटर्न बेसिकली दो डिज़ाइनों को मिला करके बनाया हुआ है। ये कुछ इस तरह से दिखने वाला खूबसूरत सा निटिंग पैटर्न, एक केबल और एक जाली, ये कॉम्बिनेशन में है। ये मैं मेरे स्वेटर में बना रही हूँ, कार्डिगन बना रही हूँ वाइट कलर का। उसके लिए आपको बताती हूँ किस तरह से ये डिज़ाइन बनेगी। ये 10 के मल्टीपल में स्वेटर्स में डिज़ाइन है, 10 के मल्टीपल में इसके फंदे डाले जाते हैं। 6 फंदे हमारे केबल के और ये 4 फंदे ये जाली बनाने के पर्पज से। इस तरह से करते हुए आप अपने फंदे डालें और ये करीब 10 सलाइयों में कंप्लीट होने वाला है। मैं इसकी मेन सलाई आपको दिखा रही हूँ, बाकी सलाइयाँ बहुत सिंपल हैं, वो देखिएगा। इन्हें 6 फंदे सीधे बुनने हैं, आपने बुन लिए। उन्हें 3 फंदों को आगे निकालेंगे, 1 2 3 केबल बनाने के लिए, और ये फिर बाकी के 3 फंदे आप नॉर्मली बुन देंगे, 1 2 3। जो फंदे हमने 3 एक्स्ट्रा नेडल पे निकाले थे, वापस अपने लेफ्ट नेडल पर लेंगे और वापस से इसे बुनते हुए 1 2 और 3 इस तरह करते हुए हम ये एक केबल बना लेते हैं। दूसरा फंदा हमारा एक उल्टा बुनेंगे और यहाँ धागा ऊपर करके दूसरा फंदा हम उल्टा बनेंगे, एक फंदा उल्टा बनेंगे, धागा आगे करेंगे और ये जो दो फंदे हमें नजर आ रहे हैं उन्हें दो का एक इस तरह से करेंगे और एक फंदा उल्टा बनेंगे। इस तरह से ये पहला रिपीट कंप्लीट हुआ। मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये 6 फंदों में से 3 फंदे हम एक्स्ट्रा निडल पर लेंगे, उन्हें आगे की तरफ रखेंगे और फिर ये 3 फंदों को हम सीधा बुन देंगे, 1 2 3। जो हमने एक्स्ट्रा निडल पे लिए थे उन्हें वापस हम लेंगे, अपने निडल्स पे डालेंगे और इन्हें वापस हम बुन देंगे कुछ इस तरह से, 1 2 और 3। इसके बाद ये जो पहला फंदा है केबल के बाद, उसे उल्टा बुनेंगे, धागा ऊपर करेंगे और ये जो दो फंदे हैं उनको दो का एक करेंगे। और फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इस तरह करके ये रिपीट कंप्लीट हुआ। दोबारा से देखिए, मैं दोबारा बताती हूँ रिपीट किस तरह होगा। ये 3 फंदे हमने निडल से उतारे, आगे किए, इन 3 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, फिर ये दो फंदे तीनों फंदों को हम वापस लेफ्ट निडल पर लेंगे और करते हुए बुनेंगे, 1 2 3। जैसे हम केबल बनाते हैं, अपना केबल बना लिया, फिर ये जो नेक्स्ट फंदा है 7वां फंदा, उसे उल्टा बुनेंगे या नोवर करेंगे, ये दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये हमारी जाली है दो फंदों को सीधा बुनने की, और एक यार्न ओवर कर लिया, दो फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे और फिर ये 10वां फंदा हम उल्टा बुन देंगे। इस तरह करते हुए ये हमारे पहला लाइन कंप्लीट होता है। सेकंड रो कुछ इस तरह से इसकी, इसमें ये जो पहला फंदा हमें उल्टा नजर आ रहा है, सीधा नजर आ रहा है, उसे सीधा बुनेंगे, फिर ये दो फंदे यार्न ओवर करेंगे और इन दो फंदों को हम दो का एक करेंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और ये 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, जिनका हमने केबल बनाया था उन्हें उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा यार्न ओवर, ये दो फंदे नजर आ रहे हैं, एक सीधा और एक यार्न ओवर, इन दोनों को मिलाते हुए सीधा बुनेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे और फिर 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह करते हुए ये हमारा रिपीट कंप्लीट हो रहा है, 6 फंदे उल्टे। एक बार और दिखाती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। एक फंदा सीधा, ये दोनों यार्न ओवर और ये दिख रहे हैं, हम यहाँ पर एक यार्न ओवर करेंगे, इन दोनों फंदों को दो का एक करेंगे सीधा करते हुए, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे
और फिर 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 3, 4, 5, 6। इस तरह करते हुए ये हम रिपीट कंप्लीट करेंगे अपने सारे जितने रिक्वायर्ड हैं ये सेकेंड लाइन का। ये थर्ड में कैसे करना है वो बताती हूँ आपको। ये थर्ड लाइन देखिएगा, ये जो हमारे केबल है इन्हें 6 फंदे सीधे, ये हमारा केबल है इसके 6 फंदे सीधे तीसरी लाइन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे सीधे, 7वां फंदा उल्टा यार्न ओवर, और ये जो 2 फंदे हैं एक नॉर्मल बुना हुआ और एक यार्न ओवर, इनको सीधा करके 2 का 1, और ये 10वां फंदा उल्टा। इस तरह करेंगे हम 1 फंदा 2 फंदे 3 4 5 6 फंदे सीधे, 1 उल्टा यार्न ओवर, और ये 2 का 1। इस तरह करते हुए आप अपनी 8 सलाइयां कंप्लीट करिए और फिर 9 सलाई कंप्लीट कीजिए, 10वीं सलाई में फिर से केबल डालिए। इस तरह करते हुए ये केबल वाला पैटर्न कंप्लीट होगा कुछ इस तरह से खूबसूरत दिखने वाला। ये कार्डिगन्स में बहुत खूबसूरत लगता है पैटर्न, आप और भी किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं पर डेफिनेटली कार्डिगन में सिंगल कलर में बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में।